सरकार क्यों नहीं मशीनीकरण का यूज़ कर रही है? हर साल में, हर एक दिन में पूरे भारत में 200 मजदूर गटर में उतरने से मरते हैं, मौत का शिकार होते हैं। सरकार ने एक लाइन बोली सफाई कर्मचारियों के लिए कि ये योद्धा हैं, लेकिन इन योद्धाओं के लिए क्या सोच रही है सरकार? कुछ नहीं सोच रही है। अगर उन योद्धाओं के लिए अगर ज़्यादा ही मन प्रेम है सरकार का, तो क्यों नहीं मशीनीकरण का प्रयोग किया जाता है? क्यों गटर में आदमी एक उतरने के बाद मौत का शिकार होते हैं? तो सीधी सीधी हत्या की जाती है उन मजदूरों की, कि सरकार द्वारा हो ही रहा है। सीधी सीधी है कि सरकार जिम्मेदार है। तो ये सरकार जिस तरीके से दिखावे के लिए एक योद्धा शब्द का यूज करती है, वो शब्द झूठा नजर आता है। वो शब्द दिखाता है कि सरकार सिर्फ एक शतरंज में गिट्टियों को फेंक के खेल करके आप जीत जाते हैं, ऐसी सरकार हमारे भारत देश के प्रधानमंत्री करते हैं। तो ये एक गैस चैम्बर है जहाँ पे आज भी लोग उतरते हैं और मारे जाते हैं। ये हमें बताता है कि एक समाज के रूप में चाहे हम चांद पर ही पहुंच जाएं, पर हम एक जातिवादी व्यवस्था के चंगुल में हैं। हमें लॉकडाउन के दौरान पता चला था कि एक आदमी पे उसके सुसाइड नोट पे पहले हस्ताक्षर करा के उसे गटर में उतारा जाता है, ये कह के कि अपनी इच्छा से मैं खाली झाड़ू और बाल्टी के साथ उतरा था। इंसान का श्रम बहुत सस्ता है और मशीनें फिर भी थोड़ी महंगी, और सरकारें एक दिन में कर सकती हैं अगर ये पूरी तरीके से रोक लगा दें, पर ये गोरख धंधा चलता रहता है। नमस्कार, मैं ब्यूटी गिरी और आप देख रहे हैं जनहित आवाज। एक तरफ जहां भारत चांद पर पहुंच चुका है, दूसरी तरफ गटर की सफाई करनी हो तो इंसान ही जाते हैं, वहां मशीन ख़त्म हो जाते हैं। सरकार के पास कोई सुविधाएं नहीं होती है, इसलिए इंसान को जाकर सफाई करनी होती है। क्या कहेंगे इस पर? जी, आपने बिल्कुल ठीक बात करी कि जहाँ पर हम चांद पर जाने पे ऐसी तकनीकें विकसित कर चुके हैं जहाँ पर लोगों के बिना चांद पर जाया जा रहा है और चांद को लेकर बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी जुटाई जा पाती है, वहीं पर हमारे पास दो बहुत बड़ी नाकामियाँ हमारे यहाँ सामने हैं कि एक तो ना ही ऐसी कोई मशीनें लगाई जाती हैं जिससे गटरों की सफाई हो, जिस कारण आए दिन हमको लोग देखने को मिलते हैं जो गटर में उतर के सफाई कर रहे होते हैं। और ये बात मैं सभी लोगों से पूछ रही हूँ जो मुझसे आज ये सवाल कर रहे हैं कि क्या आप लोगों ने अपने जीवन में किसी को गटर में उतर सफाई करते देखा है? देखा होगा। क्या आपको पता है ये बात गैरकानूनी है? नहीं पता होगा, क्योंकि इतना आम दृश्य है कि हम लोग देखते हैं और नजरअंदाज करके आगे बढ़ जाते हैं। अगर मैं एक और सवाल पूछूं कि कितने लोगों ने मशीनों को काम करते देखा होगा गटर की सफाई में, तो शायद लोग सोचें और बोले नहीं देखा होगा। आपने भी अभी नाम इशारा किया। दूसरी बात, हम चांद को लेकर जानकारी निकालने के लिए सक्षम हो चुके हैं, लेकिन कितने लोगों की मौत गटर में उतर के होती है और कितने लोगों पर कार्रवाई होती है लोगों गटर में उतारने के लिए, इसको लेकर हम सक्षम आज भी नहीं हुए हैं। क्योंकि आज भी जब संसद में बहस होती है तो एक या दो मुद्दों को लेकर कुछ छोटे मोटे आंकड़े लेकर बता दिया जाता है कि केवल इतनी मौतें हुई हैं। पहली बात तो कोई भी मौत केवल नहीं होती, वो सांस्थानिक हत्या होती है। और दूसरी बात, जिन मौतों का नाम उस आंकड़े में शामिल नहीं होता वो मौतें होती हैं जिनको दुर्घटना कह के, जिसको लापरवाही कह के नज़रअंदाज कर दिया जाता है। हम यहाँ से सवाल उठा रहे हैं कि लोग जो खानदानी रूप से, जो पीढ़ी दर पीढ़ी एक ही काम में लगे हुए हैं, पहले उनको जाति शोषित करती थी और अब जाति के साथ साथ उनकी आर्थिक स्थिति ऐसी है कि वो मजबूर हैं कि वो सर्व शिक्षा अभियान के बाद भी, रोजगार के दावों के बाद भी मजबूर हैं वही काम करने में। ऐसा नहीं है किसी को अच्छा लगता है 150 रुपये में गटर में उतर जाना, मैले में अपने गले गले तक भर जाना, पर लोग उतरते हैं। लोग इसलिए उतरते हैं क्योंकि उनको अपने घर चलाने हैं, और ऐसे समाज में हम रह रहे हैं जहाँ पर इन लोगों की बात भी नहीं होती है। ये खाली आज का आंकड़ा नहीं है, ये एक विरोध प्रदर्शन नहीं है। अभी 5 लोगों की मध्य प्रदेश में मौत हुई है, और भी जातीय हिंसा के मामले अभी हाल फिलहाल में सामने आए हैं, लेकिन कुछ महीने पहले ही हमें महाराष्ट्र में भी पता चला था कि 3 लोगों की मौत हो जाती है। हमें लॉकडाउन के दौरान पता चला था कि एक आदमी पे उसके सुसाइड नोट पे पहले हस्ताक्षर करा के उसे गटर में उतारा जाता है, ये कह के कि अपनी इच्छा से मैं खाली झाड़ू और बाल्टी के साथ उतरा था। तो ये एक गैस चैम्बर है जहाँ पे आज भी लोग उतरते हैं और मारे जाते हैं, और हमारा दिल नहीं झकझोर दिया जाता है इस बात से। ये हमें बताता है कि एक समाज के रूप में चाहे हम चांद पर ही पहुँच जाएं, पर हम एक जातिवादी व्यवस्था के चंगुल में हैं। तो खाली यार अगर चाहे तो इस चीज़ को रोक सकती है। एक झटके में मशीनीकरण होगा, जैसे डिजिटलाइजेशन हो रहा है, सारी चीज़ें हो रही है, एक झटके में मशीनीकरण होगा, मशीनें सफाई कर देंगी, ये सारी मौतें थम जाएगी। बावजूद इसके सरकार क्यों नहीं चाहती? देखिए, इंसान का श्रम बहुत सस्ता है और मशीनें फिर भी थोड़ी महंगी हैं, ये कोई महंगी मशीनें नहीं है पहली बात तो, और सरकारें एक दिन में कर सकती हैं अगर ये पूरी तरीके से रोक लगा दें।
पर ये गोरख धंधा चलता रहता है जहाँ पर ठेकेदार काम कराते हैं और बाद में उन पर कंप्लेंट करने वाला भी कोई नहीं होता, क्योंकि मजदूर तो अपने ठेकेदार पे कंप्लेंट नहीं करेगा क्योंकि उसको पता है कि यही काम दिलाएगा आगे चलकर। तो हमारी एक समाज के रूप में क्या जिम्मेदारी बनती है? इसी दिल्ली में ग्वायर हॉल के बाहर एक कंप्लेंट करी जाती है कि एक आदमी गटर में उधर सफाई कर रहा था, जो व्यक्ति कंप्लेंट करता है उसका मोबाइल लेके अभी तक लौटाया नहीं गया है और जो ठेकेदार उसको उतारा गया था उसके खिलाफ कंप्लेंट, उसको ना जाने कितनी असुविधा हुई होगी। गैर कानूनी उसके खिलाफ जो कंप्लेंट है उससे कोई एक्शन, उसकी तो मैं बात ही नहीं कर रही हूँ, असुविधा की बात कर रही हूँ। तो हमारी कानून व्यवस्था इस तरीके की बन गई है कि जहाँ पर जो न्याय की गुहार लगाता है अक्सर उसी पर डंडा चल जाता है और जो इंसान गैर कानूनी काम करे जा रहा है उस पर कोई कार्रवाई नहीं होती है। मजबूरन जो है लोगों को गटर में उतारा जाता है और यहाँ तक कि उन्हें किट तक नहीं दिया जाता उनकी सुरक्षा के लिए। देखिए बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, मैंने खुद अपनी आंखों से बवाना रोड पे लगातार 15 गटर में उतरते हुए 15 आदमियों को देखा था जिसके मेरे पास वीडियो भी है। लेकिन उससे 2 साल पहले दिल्ली यूनिवर्सिटी में जैसे मांडवी ने जिक्र किया, ग्वायर हॉल में एक आदमी उतरा था और ठेकेदार के खिलाफ FIR दर्ज करने में बहुत पुलिस प्रशासन का आना कानी रहा था। इस बात को हमेशा जब भी होती है पुलिस प्रशासन FIR करने में जल्दबाजी बिल्कुल भी नहीं करती है, बहुत प्रदर्शन के बाद FIR होती है और ठेकेदार जो है वो आसानी से सुरक्षा कवच में होता है क्योंकि उसको मालूम है कि पूरी सरकार, पूरा तंत्र, पूरा प्रजा, पूरा तंत्र उसके लिए बचाव में है क्योंकि सरकार द्वारा हो ही रहा है। सीधी सीधी बात है कि सरकार जिम्मेदार है क्योंकि एक सफाई कर्मचारी क्यों उतर रहा है, पहले तो सवाल ये भी बनता है क्योंकि आज़ादी के 75 वर्ष बाद भी आज उन मजदूरों की, दलितों की, गरीबों की जो जातिवाद के चंगुल में अभी तक फंसे हुए हैं उससे निकले नहीं हैं। भले आज़ादी के 75 वर्ष हो गए और कहने के लिए हमारा देश महान और आज़ाद के तौर पर कह सकते हैं, इस देश के मंत्री को, मुख्यमंत्री को, प्रधानमंत्री को और जो महाराष्ट्र के मंत्री को शर्म आनी चाहिए। अपने नाम और शोहरत और अपने बढ़ाइयों में कभी कसर नहीं छोड़ते हैं, कभी भी कसर नहीं छोड़ते हैं। दिखावे के लिए इतने बड़े बड़े बैनर लगा देते हैं, होल्डिंग लगा देते हैं, इतना करोड़ों रुपए, अरबों रुपए खर्च कर देते हैं। उन्हीं मजदूरों द्वारा वो काम कराया जाता है जिस मजदूरों की लगातार हर साल में, हर एक दिन में पूरे भारत में 200 मजदूर गटर में उतरने से मरते हैं, मौत का शिकार होते हैं, ये आंकड़ा है। और इन आंकड़ों पर भी हम सवाल किया, फिर आपसे पूछूंगी कि सरकार चाहे तो एक दिन में मशीनीकरण लाएगी, जैसे बाकी तमाम चीज़ें आती है, डिजिटलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, मशीनीकरण आएगा और सब बंद हो जाएगा, आदमी का जाना, मशीनों से सफाई होगी, मौतें बंद हो जाएंगी। देखिए बावजूद इसके सरकार क्यों नहीं करती? देखिए सरकार की नीयत नहीं है, सरकारों को मशीनों का जो खर्चा है वो ज़्यादा लगता है, मजदूर की मौत बहुत सस्ती लगती है। और वो मजदूर होता है जो मजबूर होता है गटर में उतरने के लिए और मौत का शिकार होता है उस जहरीली गैस की चपेट में आके, वो अपने परिवार को उस तरीके से इतरस्त व्रस्त छोड़ जाता है क्योंकि वो अपने ही परिवार को चलाने के लिए, आर्थिक स्थिति को बनाए रखने के लिए, चलाने के लिए मजबूरन उतरता है। और सरकार क्यों नहीं मशीनीकरण का यूज़ कर रही है? क्योंकि उसको दिखावा या बढ़ावा मजदूरों के हेल्प करने से नहीं मिलेगा, उसको तो दिखाना है ना विदेशों में कि हमारा देश चांद पर जा रहा है, वहाँ से खनिज ला रहा है, वहाँ से रिसर्च कर रहा है, उतना खर्च विमान भेजने में, इतनी दूरी में कितना खर्च होता है ये आप लोग हिसाब लगाइए। 7-8-9-10 फिट की गहराई के अंदर एक मजदूर के लिए मशीन बनाने के लिए कोई खर्च सरकार उठाना नहीं चाहती है। ये दिखाता है, एक विडंबना है इस भारत देश की कि मजदूरों के लिए, गरीबों के लिए जो हालत बनाई गई है उसको वैसे ही उसी त्रासदी में छोड़ देने के लिए सरकार भी आँखों पर पट्टी बांधे बैठी हुई है क्योंकि उनको लगता है कि उनके लिए मशीनों का या उनके लिए पूरी किट बनाना, उनकी सुरक्षा के लिए कपड़े या जूतों का प्रयोग करना, जो गटर में बिल्कुल नग्न शरीर में उतरते हैं और पूरा, जैसे मानवी ने बताया, पूरा मतलब मैंने खुद देखा है, शरीर में पूरा कीचड़, पूरा पैखाने का मैल लगा हुआ है जिसमें सरकार खुद नहीं सोच सकती। यूनिवर्सिटी को भी साफ़ करने के लिए मजदूरों को कितनी अपनी बलिदान देना पड़ता है, अगर वो काम ना होना तो यूनिवर्सिटी में आना, खड़ा होना दुर्भर हो जाए लोगों के लिए। ये पूरी यूनिवर्सिटी को साफ़ करने का काम सफाई कर्मचारी करते हैं, कहने के लिए लॉकडाउन में, कोरोना काल में सरकार ने एक लाइन बोली सफाई कर्मचारियों के लिए कि ये योद्धा हैं, लेकिन इन योद्धाओं के लिए क्या सोच रही है सरकार? कुछ नहीं सोच रही है। उन योद्धाओं के पास ना तो कोई पक्की नौकरी है, उन योद्धाओं के
ना तो बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ने के मतलब कारण आगे यूनिवर्सिटी में दाखिला ले नहीं पाते, शिक्षा भी नहीं है, क्योंकि उनके लिए जिस तरीके के हालात को बनाए रखने में सरकार वैसी के हालातों को बनाए रखना चाहती है। ऐसी मजदूर परिवारों में जो रहने वाले बस्तियों में रहने वाले मजदूर हैं उनके इलाकों की सुधार के लिए सरकार क्या करती है, ये सवाल हमारे बनते हैं। ना तो ठेकाकरण को ख़त्म करती है सरकार, अगर उन योद्धाओं के लिए अगर ज़्यादा ही मन प्रेम है सरकार का तो क्यों नहीं मशीनीकरण का प्रयोग किया जाता है, क्यों गटर में आदमी एक उतरने के बाद मौत का शिकार होते हैं, तो सीधी सीधी हत्या की जाती है उन मजदूरों की, उन दलितों की, उन गरीबों की। तो ये सरकार जिस तरीके से दिखावे के लिए एक योद्धा शब्द का यूज़ करती है वो शब्द झूठा नज़र आता है, उस वो शब्द दिखाता है कि सरकार सिर्फ एक शतरंज में गीटियों को फेंक के खेल करके आप जीत जाते हैं, ऐसी सरकार हमारे भारत देश के प्रधानमंत्री करते हैं, ये सच्चाई है। देख दिखावे के लिए विदेशों में जाकर के जिस तरीके से बात कहते हैं, सफाई कर्मचारियों में जो महिलाएं सफाई कर्मचारी होती हैं उनकी हालातों को देखें कि जो सफाई का काम भी करती हैं और ठेके के अंदर सेक्सुअल हैरेसमेंट भी होता है उनके साथ, वो कहने के लिए भी बार बार अगर पुलिस स्टेशन जाती है उनके साथ कुछ होता है तो वही पुलिस वाले उनके साथ इस तरीके से बातचीत करती है, वही पुलिस वाले FIR दर्ज नहीं करते हैं। तो ये कहाँ का हमारे लिए न्याय है, कहाँ का उनके लिए उपचार है? तो ये दिखाता है कि जो मजदूर परिवारों से आने वाले सफाई कर्मचारी है ना तो उनके बच्चे पढ़ पा रहे हैं, ना तो उनका इलाज हो पाता है। सफाई कर्मचारियों की जो उम्र है 60 से ऊपर नहीं रह पाती, क्योंकि वो इतने गंदगी के माहौल में कांटेक्ट में आते हैं कि उनकी जो जहरीली गैस से शरीर में जो हानिकारक तत्व जो जाते हैं उनकी जिंदगी की जो उम्र है वो कम हो जाती है। तो ये देखना पड़ेगा, ये सीधी सीधी सरकार इसके लिए जिम्मेदार है। और हमारी ये मांग है कि निजीकरण को ख़त्म करना चाहिए, ठेकेकरण को ख़त्म करना चाहिए, जातिवाद को ख़त्म करना चाहिए, उसके बदले मशीनीकरण होना चाहिए और सभी सफाई कर्मचारियों को पक्की नौकरी मिलना चाहिए और ठेकेकरण को बिल्कुल जड़ से ख़त्म करना चाहिए। तभी हम कहेंगे कि हाँ सरकार ने मजदूरों के लिए सफाई कर्मचारियों के लिए कुछ काम किया और 75 वर्ष बाद हम कह सकेंगे फिर आज़ाद है। अभी हम आज़ाद नहीं है, ना तो कोई सफाई कर्मचारी। यहाँ हम देखें तो यहाँ पर जो है लोग मौत का गटर ऐसा बना के यहाँ पर खड़े हैं, क्यों खड़े हैं मौत के गटर में क्यों खड़े हैं? देखिए आप ये देख पा रहे होंगे कि हम लोग मौत के गटर पर खड़े हैं। ठीक है, ये एक देश की सच्चाई बताने का हमारा एक तरीका है कि देश मजबूरी में खड़े हैं या स्वेच्छा से खड़े हैं? ये मजबूरी है जिसके कारण से मैं भी यहाँ पर हूँ और जाने को मजबूर है इंसान। बिल्कुल सही है कि इस कारण से जो 5 हत्याएं हुई हैं मध्य प्रदेश में, ठीक है, तो वो भी मजबूरी के कारण ही वहाँ पर उतारे गए उतरे हैं। उनको ज़बरदस्ती उतारा गया क्योंकि काम का और कोई उनके पास में जरिया नहीं था। हमारे देश में बेरोज़गारी इतनी ज़्यादा फैल चुकी है कि अब कम से कम दिहाड़ी में भी उतरने के लिए मजबूर हो रहा है और इसी मजबूरी का फ़ायदा ठेकेदार उनसे उठा लेते हैं। और आज तो आप साफ तौर पर देख सकते हैं ये लोग मौत की गटर लिखकर उसमें खड़े हैं और जाहिर तौर पर ये दिखा रहे हैं कि किस तरीके से जो इंसान गटर में उतरता है वो अपनी जान हथेली पर लेकर उतरता है और ये स्वेच्छा से नहीं होता, मजबूर है इंसान जाने को, क्योंकि बेरोज़गारी जिस तरीके से है वो तो है ही, लोग मजबूर हैं दो वक्त की रोटी के लिए जो है मौत की गटर में उतरते हैं, अपनी जान को हथेली पर लेकर उतरते हैं बिना किसी किट के, बिना किसी सुविधा के, और उसके बाद जो कुछ होता है वो आपके सामने है। पूरी बातचीत पर अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दीजिए। कैमरामैन आशीष के साथ ब्यूटी गिरी, जनहित आवाज़।